हेलो एवरीवन, जब हम वीजा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, क्योंकि किसी भी कंट्री का जब बंदा ड्रीम देखता है तो सबसे पहले उसकी सोच ये होती है कि कितने दिन लगेंगे मुझे वहां पहुंचने में। कनाडा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे क्योंकि हर वीक बाद कनाडा अपना प्रोसेसिंग टाइम चेंज करता है। बट एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, वो क्या है, एक स्पेशल कैटेगरी के लिए जिनके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और रिजल्ट नहीं आ रहे थे, अब उस उनके लिए एक अच्छा साइन है, उनके रिजल्ट को चार पाँच मंथ नहीं लगेंगे, रिजल्ट फास्ट आ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, कैसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं विजिटर वीज़ा की बात करूँ या वीज़ा ट्रेंड की बात करूँ, क्योंकि प्रोसेसिंग से पहले जब क्वेश्चन माइंड में आता है कि वीज़ा का ट्रेंड कैसा चल रहा है, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली कंट्री में वीज़ा की जो सबमिशन एप्लीकेशन की वो अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं विजिटर वीज़ा के रिजल्ट की बात करूँ तो विजिटर वीज़ा के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। प्रोसेसिंग टाइम अगर मैं IRCC की वेबसाइट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 21 डेज आपको लगेंगे एवरेज 80% एप्लीकेशंस को, अगर आप इन दिनों रिजल्ट अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम आने वाले दिनों में इंक्रीज हो सकता है विजिटर वीज़ा का, क्योंकि बड़े नंबर्स में लोग अप्लाई करेंगे, आगे समर आने वाली है, बच्चों की कन्वोकेशन है तो पेरेंट्स अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशन की लॉजमेंट तकरीबन 20-30% इंक्रीज हो जाती है अप्रैल मंथ में, मई मंथ में या मार्च के लास्ट में। तो अगर आपने कन्वोकेशन के ऊपर वीज़ा अप्लाई करना है या रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो आप टाइमली चीज़ें प्लान करें, कल को कोई नेगेटिव चीज़ भी आती है तो बंदे के पास इनफ टाइम होता है चीज़ों को हाई कमीशन के आगे प्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं स्टडी परमिट की बात करूँ तो स्टडी परमिट के रिजल्ट एज यूजुअल 25-20 दिन में आ रहे हैं, या 20-25 दिन में हम कह सकते हैं आ रहे हैं, और कुछ केसेस को टाइम भी लग रहा है। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, आपको रिजल्ट को ज़्यादा टाइम लग गया है तो अपने कॉलेज के साथ ज़रूर कोऑर्डिनेट करें और जो लेटेस्ट अपडेट है अपनी एप्लीकेशन की वो उनके साथ डेफिनेटली शेयर करें। जो मेन टॉपिक था इस वीडियो का, स्पाउस वर्क परमिट या क्लोज वर्क परमिट, कनाडा ने एक अनाउंसमेंट की 29 मार्च को कि जो स्पाउजल स्पॉन्सरशिप की स्पाउजल एप्लीकेशन है वर्क परमिट की, ठीक है, वो हम क्लोज करने लगे हैं और नई एप्लीकेशन आज के बाद नहीं सबमिट होगी। तो वहाँ से एक क्लियर साइन मिल गया है, आज ऑलमोस्ट एक वीक से ऊपर हो गया है नई एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है। अगर नई एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी तो हाई कमीशन के पास इनफ टाइम होगा जो ओल्ड एप्लीकेशन है उनको प्रोसेस करने के लिए। तो ऐसे में बड़े नंबर्स में जो स्पाउजल वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगती थी वो अब कम हो गई हैं। अगर ऑन एवरेज में बात करूँ एक मंथ में 15,000-20,000 एप्लीकेशन भी सबमिट होती हैं, तो एक वीक में एटलीस्ट 5,000 एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है। तो ऐसे से हाई कमीशन के ऊपर आने वाले एक दो वीक में और बर्डन कम होगा और जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, चाहे वो क्लोज है चाहे जो ओपन की लगी हुई है, उनके रिजल्ट डेफिनेटली फास्ट होंगे, चाहे वो नैनी का वर्क परमिट है, चाहे स्पाउस डिपेंडेंट वर्क परमिट है या किसी भी तरह का क्लोज वर्क परमिट है, क्योंकि ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोज वर्क परमिट। क्लोज वर्क परमिट की एप्लीकेशन लिमिटेड है क्योंकि आपको LMIA चाहिए कैनेडा से अप्लाई करने के लिए, तो वो लेना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है। इससे आगे अगर मैं सुपर वीज़ा की बात करूँ तो सुपर वीज़ा का रिजल्ट एवरेज विजिटर वीज़ा के साथ ही आ रहा है, कुछ एप्लीकेशन को 40-50 दिन लग रहे हैं बट रेस्ट ऑफ दी एप्लीकेशन 20-25 दिन में क्लियर हो रही है। PR की एप्लीकेशन की बात करूँ तो इन दिनों जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उनकी एप्लीकेशन मोस्टली जुलाई अगस्त की एप्लीकेशन है, अगर आपने अप्लाई किया है तो वेट करें क्योंकि आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप के ऊपर है। बट अगर आपके मेडिकल को 3-4 मंथ हो चुके हैं या आपकी प्री अराइवल हुई को 3-4 मंथ हो चुके हैं, आपकी ट्रैकर में आपकी COPR अपडेट हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया, तो आप वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं और हाई कमीशन को ये चीज़ बता सकते हैं, इससे भी आपका जो रिजल्ट है वो फास्ट हो जाएगा। UK से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है लोगों की कि UK से रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है बट टाइम लग रहा है। बट वहाँ से भी एक अच्छी न्यूज़ है कि पहले से जो UK की प्रोसेसिंग है वो कम हो चुकी है, पहले जो प्रोसेसिंग टाइम 300 डेज प्लस था अब वो नियर अबाउट 250 डेज आ चुका है और आने वाले दिनों में UK से भी एप्लीकेशंस के रिजल्ट फास्ट हो जाएंगे। बट अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 मंथ एवरेज मान के चलिए, कुछ केसेस में पहले भी आ जाता है, वो हर किसी का नहीं आता है, हमारे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट है जिनकी अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की एप्लीकेशन लगी हुई है,
तो थोड़ा सा पेशेंस रखें अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हो। बाकी ओवरऑल वीज़ा ट्रेंड अच्छा है। ये था लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।